से मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं अभिनेता रोमेश शर्मा से। भेंट करते हैं सविता बजाज। रोमेश जी, आपने फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से एक्टिंग का कोर्स किया जी, और आपके काफी साथी लोग जो आपके साथ थे जी, कोई विलन बन गया, कोई हीरो बन गया, और आपने तो एक्टिंग में ही की है ना स्पेशलाइज जी जी, फिर भी आप ज्यादा फिल्मों में दिखाई नहीं देते। हालांकि आपकी सबसे पहली फिल्म मेरे ख्याल से हीरो की हैसियत से ही थी। नहीं, मेरी पहली फिल्म सिद्धार्थ थी जब मैं पूना में ही था। उसके बाद मैंने कई फिल्में की भी और कर भी रहा हूँ। उसके बाद मैंने निकला बाहर तो कई फिल्में की और कई कर भी रहा हूँ। अच्छा, कि ऐसा तो नहीं है सिद्धार्थ तो इंडियन फिल्म तो थी नहीं? जी हाँ, अंग्रेजी में बनी थी। अंग्रेजी में बनी थी तो ये तो नहीं कहीं अंग्रेजी ठप्पा लग गया कि साहब ये हीरो तो अंग्रेजी फिल्मों के लिए ज्यादा सूट करता है? नहीं, नहीं, अंग्रेजी फिल्म तो आपकी शक्ल सूरत तो माशाल्लाह अंग्रेजी लग रही है। अंग्रेजी लगती है ज्यादातर? नहीं, ऐसा तो नहीं है विरल। मुझे लगता है क्योंकि हिंदी फिल्में भी जो मैंने की है उसके बाद वो भी कुछ लोगों को पसंद आई है और मुझे भी काम करने में। अच्छा, जो भी आपने रोल्स किए हिंदी फिल्मों में जी, तो वो तो मतलब कहना क्या चाहिए, चालू किस्म के नहीं थे, बड़े रिस्ट्रेंड आप परफॉर्मेंसेस करते थे। उसमें लगता था कि एक अलग ही तरह की हस्ती है, कहीं ये सब बातें तो आपके परफॉर्मेंस में आड़े नहीं आई? नहीं, मैं चाहता तो था जैसे आप कहती हैं कि हर तरह का रोल करूं, लेकिन शुरू में जब मैं आया, सिद्धार्थ की, मैंने परिणय की, दूसरी सीता की, मुझे जो रोल्स मिले, जो मैं चाहता था दूसरे तरह के रोल मिले मुझे, वो मुझे मिले नहीं। और जिस तरह के रोल मिले वो मुझे करने पड़े क्योंकि मेरे पास ज़्यादा उस वक्त चॉइस नहीं थी। अगर मैं उस वक्त चूज़ करता तो शायद जो मैंने काम किया मेरे पास वो भी नहीं रहता। तो शुरू में कई बार ऐसा भी होता है कि जो आर्टिस्ट चाहता है कि हर तरह का काम करूँ और लोगों को कुछ और लगता है, उस हिसाब से वो आपको रोल्स ऑफर करते हैं। तो ये ज़रूर रहा है मेरे साथ कि जैसे आप बोलती हैं कि इमेज के इंग्लिश पिक्चर या आपने रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंसेस की हैं, लेकिन मुझे रोल ज़्यादातर मिले भी इस तरह के हैं, इस वजह से शायद आपको। लेकिन जिस दिन, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा दूसरी तरह का रोल मिला और मैंने ना किया हो। और कुछ फिल्में मैंने की भी ऐसी, जैसे एक फिल्म मैंने सुनहरा संसार की थी मद्रास में, उस फिल्म में मेरा बहुत लाइवली रोल था और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद भी आया था। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बात होती है, कोई फिल्म आपकी हिट हो जाती है तो कमर्शियली हीरो भी हिट ही माना जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई फिल्म कमर्शियली हिट ही नहीं हुई इसलिए आपको वैसा हीरो माना ही नहीं गया? कहीं ये बात तो आड़े नहीं आई काम में? नहीं, आप सही फरमा रही हैं कि इस लाइन में सक्सेस बहुत बड़ी बात है और सक्सेस के एक ही मेजर है जिस तरीके से आर्टिस्ट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और जिस वजह से उसे स्टार भी माना जाता है। और उसके लिए एक्सक्यूजेज या प्रॉब्लम्स या रास्ते में अड़चने कई हो सकती हैं जी, जिसकी वजह से आर्टिस्ट वहाँ नहीं पहुँचा हो। लेकिन सक्सेस वाइज तो अगर आप कहें, मेरी शुरू शुरू में फिल्म जो परिणय थी वो 25 हफ्ते चली थी और जिसमें मैं मेन लीड कर रहा था और सक्सेसफुल फिल्म थी, लेकिन शायद वो अपने टाइम से पहले थी या कुछ था, क्योंकि ऐसी फिल्में जो बाद में आई हैं उन आर्टिस्ट को वैसी फिल्मों से काफ़ी मदद मिली है। हालांकि मैं जब पूना में था, मैं ये समझता था कि जिस दिन मेरी पिक्चर 25 हफ्ते करेगी उस दिन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन मेरी फिल्म ने 25 हफ्ते किए भी, उसमें मेरा रोल भी अच्छा था, लेकिन फिर भी इतना काम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इसकी वजह मुझे शायद आप ही बता दें। मेरे ख्याल से तो ये है कि हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं उसमें वॉयलेंस ज्यादा होता है। हर हीरो के हाथ में कभी पिस्टल या छुरा वगैरह तो होता है, लेकिन आपके हाथ में कभी आज तक नहीं देखा, तो ये बात तो नहीं है? यूं कहिए कि जो रोल मैंने किया उसमें उसकी जरूरत पड़ी नहीं। लोग ही मुझे दिखाते रहे, लेकिन या आप डरते थे ऐसे रोल करते? नहीं, हालांकि यकीन मानिए मुझे ऐसे रोल करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ऐसा रोल मैंने ज्यादातर किया नहीं। और आफ्टर ऑल रोल ही कर रहे हैं कि सड़क पे पकड़ के किसी को मार तो नहीं रहे हैं। तो मैं तो खुद चाहता हूँ और हमेशा चाहा है मैंने कि मैं ऐसे लाइवली, वायलेंस नहीं लेकिन यंग रोमांटिक या मॉडर्न रोल्स करूँ जिसमें इतना रिस्ट्रेन ना हो, जिसमें इतनी गंभीरता की जरूरत ना पड़े। और मुझे रोल्स हमेशा ऐसे ही मिले हैं जिसमें गंभीरता थी, जो मेरे शायद एज से भी ज्यादा थे और शायद मैं उन रोल्स के लिए छोटा भी लगता था। शायद ये भी वजह हो एक
क्योंकि लोग कहते थे जो मुझसे मिलते थे कि अच्छी लगी पिक्चर, अच्छी कर, लेकिन आप यंग लग रहे थे उस रोल में। तो उस वक्त मैं तो ये नहीं कह सकता था जब मुझे लोग कहते थे कि प्रोड्यूसर्स आते थे जी मैं इस रोल के लिए बहुत यंग लगूंगा क्योंकि मुझे तो काम चाहिए था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि मैं शुरुआत में ही बहुत सीरियस रोल्स और बहुत एज जिसमें एज ज्यादा चाहिए और मेरी एज इतनी ज्यादा लगती नहीं थी उस वक्त। शायद एक ये मैं समझता हूँ एक वजह थी जिसकी वजह से मुझे कई लोगों से मिलने भी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत यंग लगते हैं। तो उस वक्त मैं कर ही रहा था सब फिल्म्स मेन लीड में, तो इसलिए मुझे अगर उस वक्त मैं कैरेक्टर रोल्स कर रहा होता तो शायद मुझे काम बहुत मिलता और आसानी से मिलता। अच्छा, आपने तो कोई वॉलेंस भरे रोल करे नहीं है, लेकिन आप जब अपने साथियों को ऐसे रोल करते हुए देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि वॉलेंस इज द मस्ट फॉर हमारी ये हमारी फिल्मों के लिए, या कि ज्यादा दिखाते हैं या नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है वैसे? वायलेंस से बहुत प्ले किया गया है, वायलेंस फॉर द सेक ऑफ वायलेंस मैं समझता हूँ कि जबरदस्ती ठोकने वाली बात है कोई भी चीज, हालांकि कैबरे वायलेंस या कोई भी चीज, लेकिन एक स्क्रिप्ट में या एक स्टोरी में एक एंगल हो जो वायलेंस ही अंडरलाइन करती हो तो क्यों नहीं दिखानी चाहिए। जरूरी है, हमारे वायलेंस, हमारे वॉर्स हुई हैं उसमें वायलेंस है, हमारी मीटिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं लीडर्स की, उसमें वायलेंस है। कौन से एस्पेक्ट में आपको वायलेंस नहीं लग रही, जहाँ जो आपको लगता है कि फिल्मों में वायलेंस दिखानी ही नहीं चाहिए? हाँ, ऐसे ही आप ज़बरदस्ती कुछ लोगों की लड़ाई करवा दें कि लोगों को अच्छा लगता है, वो दूसरी बात है। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, जहाँ स्क्रिप्ट डिमांड करे वायलेंस तो वहाँ दिखाने में हर्ज क्या है। मैंने तो आपको आज तक किसी विलन से पिटते हुए नहीं देखा, इसलिए पूछा। नहीं, वो क्या होता है कि उस वक्त तक ऐसी फिल्म मैंने कोई की नहीं जा, और एक फिल्म मैंने की थी सुनहरा संसार में जिसमें सुजीत कुमार मेरे साथ थे, उसमें हम लोग ने 7 दिन ओगिनेकल फॉल्स में मद्रास के जरा आगे 7 दिन पानी में हम लोग लड़ते रहे। अच्छा। वो मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पानी में 7 दिन शूटिंग पानी में बाहर पहाड़ों पे सब फाइटिंग 7 दिन पूरी की, और जब फाइनली फिल्म बनी तो उसमें मुश्किल से आधे दिन का काम भी नहीं रहा था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता हमारे यहाँ काम पाने के लिए बड़ा ग्रुपिज्म है, चाहे वो राइटिंग हो या वॉइसिंग हो या एक्टिंग हो, तो ये अलग अलग टुकड़ों में जो हमारे ग्रुप्स बैठे हुए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता ये हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है कलाकारों के लिए, इसीलिए सबको काम नहीं मिलता? मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ और मैं जहाँ ग्रुप से वहाँ से दूर ही रहा हूँ। हाँ, चंद दोस्त जरूर हैं और उसका काम से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रुप्स होंगे, जरूर होंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे ऑपरेट नहीं करता हूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं। अगर और ग्रुप से ही जरूर मैं मानता हूँ कि शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो अगर हो, लेकिन आर्टिस्ट अगर टैलेंटेड हो और उसमें परसिवियरेंस हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता, ग्रुप्स रोक नहीं सकते, क्योंकि जो लोग आज भी सक्सेसफुल बैठे हैं उनके लिए भी तो ग्रुप्स होंगे, वो भी तो सक्सेसफुल हुए हैं। तो फाइनल एनालिसिस में यही कहूंगा कि ग्रुप्स, अगर आदमी में टैलेंट हो, पोटेंशियल हो, देर जरूर लग सकती है लेकिन एंड में निकल आएगा वो। अच्छा, आप टैलेंट की जब बात कर रहे हैं तो एक इसी सिलसिले में एक बात याद आती है कि फिल्मों में तो आप अपना टैलेंट बताते हैं जितना आपको स्कोप दिया जाता है, उसके अलावा आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कौन से फील्ड में करते हैं या करना चाहते हैं? मैं तो ये चाहूँगा कि इतना काम हो कि एक्टिंग ही फुल टाइम जॉब है, कि आदमी मैं समझता हूँ कि उसमें इतना इतनी फील्ड इतनी वाइड है कि उसी में अपना, उसके पास अगर काम काफ़ी हो तो बहुत बड़ी बात है, और कोशिश करके डिफरेंट रोल्स करे, और बाकी अगर आदमी बिजी हो जाए तो दिन में 8-10-12 घंटे काम करे तो उसके बाद उसे रिलैक्सेशन चाहिए, हॉबीज चाहिए, कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं चाहिए। 24 घंटे तो आप एक्टिंग नहीं करेंगे ना? नहीं जी, जी उसके अलावा तो कोई और फील्ड होगा ना जहाँ आपको सुकून मिलता है या खाली वक्त का कहीं इस्तेमाल करना चाहते होंगे? खाली वक्त या कभी फिल्म कोई डायरेक्ट करना चाहते होंगे या कोई इंग्लिश फिल्म देखते हैं तो आपके मन में तमन्ना आती होगी यार यार मैं भी ऐसा एक रोल करूं या मुझे मिल जाता है, यू नो? ऐसा कई बार होता है कि कोई अच्छी फिल्म देखते हैं कि ऐसा रोल मैं करूं, या बहुत अच्छी फिल्म लगती है और मन में जरूर आता है कि ऐसा रोल मिलना चाहिए, ऐसी कभी फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन वो जब टाइम आएगा तो जरूर कुछ करेंगे। अभी ख्वाब अधूरा है? नहीं, अभी तो ख्वाब सभी अधूरे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। क्योंकि वैसे आज तक आपने कोई ऐसा रोल किया जहां आपको सचमुच सेटिस्फेक्शन मिली एज एन एक्टर? हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने परिणय की थी, सिद्धार्थ की थी,
बड़े डिफाइंड कैरेक्टर्स थे और उसमें एक रियलिटी थी और पूरा ग्राफ था रोल का, बहुत सुकून मिला। और वैसे दूसरी तरफ कमर्शियल फिल्म्स में जो मैंने किए थे, सुनहरा संसार बता रहा हूँ मैं आपको, एक फिल्म मैंने कोई जीता कोई हारा की है, जिस तरह की आप बात कर रही हैं, वायलेंस और पैसिव, नहीं वायलेंस तो नहीं कहूँगा, पैसिव नहीं, एक्टिव रोल्स हैं। आपकी पर्सनैलिटी से अलग रोल है। अलग रोल्स इसलिए आपको लगेंगे क्योंकि आप मेरी पर्सनैलिटी शायद ठीक से जानती ना हो या दर्शक जानते ना हो, क्योंकि आपने मुझे ऐसा कभी देखा ही नहीं। क्योंकि हमने तो फिल्मों में आपको सीधा साधा देखा है ना, शर्मीला यू। ऐसा नहीं हूँ मैं। अच्छी ऑथर बैक। मिसाल के तौर पर कैसा रोल है? जैसे एक फिल्म है माँ की सौगंध, उसमें एक मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर तो बहुत होते हैं हमारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लॉ मैन नहीं है, उसके इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं है कि टफ कैरेक्टर, ऐसा नहीं है, कैरेक्टर कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा, और वो कॉट है उसमें, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्टंट ज्यादा है, निहायत ही इमोशनल रोल है, और इसलिए, और पैसिव नहीं है। अच्छा, एक और फिल्म अभी शुरू हुई है जिसमें मैं कर रहा हूँ करिश्मा, जिसमें भी बहुत ही अच्छा रोल है। अच्छा, मतलब वो लाइट है, शुरुआत में लाइट है, रोमांटिक है, और फिर एंड में एक्शन है, ड्रामेटिक सीन्स हैं कुछ। क्या है कि जब तक कुछ पावरफुल, एक जैसे कमर्शियल फिल्म में, कमर्शियल स्क्रिप्ट में, एक ऑथर बैक्ड सिचुएशन या एक ऑथर बैक्ड सीन, और फिर वो आपकी पर्सनालिटी को सूट कर जाए, तो वही कैरेक्टर एकदम एक्सेप्टेबल हो जाता है और लोगों को पसंद आ जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। बाकी सक्सेस और फेलियर में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर जर्म्स हों तो फिर सक्सेस और सिर्फ इतना ही फासला है कि आप करेक्टली प्लेस्ड आ जाएं। और आप देखेंगे पहले भी ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जो जिन्होंने रोल्स किए, इनको 5-5, 6-7 साल के बाद एक ऐसी जगह, एक ऐसे कॉम्बिनेशन में आए हैं जहां उनकी पर्सनालिटी बहुत एक्सेप्टेबल रही है, और उसके बाद उन्होंने वो भी रोल्स किए हैं जिनमें वो पहले नहीं एक्सेप्टेबल थे और अब हो गए हैं। तो ये बेसिकली अगर थोड़े बहुत भी जर्म्स हों टैलेंट के, तो एक करेक्ट कॉम्बिनेशन और एक करेक्ट स्क्रिप्ट में आने के बावजूद, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा, मैं मुझे कोई रिग्रेट्स हैं जो मैंने काम किया, कोई रिग्रेट्स नहीं है, अच्छी फिल्में थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ जैसे आपने कमर्शियली कहा, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे काफी फायदा और सुकून मिलेगा। फायदा, अगर मैं एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, काला पत्थर से आपको क्या फायदा हुआ? काला पत्थर में ऐसा था, हीरो को मैंने देखा बस उसको दूल्हा बना के बैठा दिया गया, बस नहीं ऐसा एक भी डायलॉग नहीं था। वो था ऐसा, काला पत्थर में यश जी वो पिक्चर बना रहे थे और दोस्ती खातिर की नहीं, उनके बड़े अच्छे रिलेशन है, और एक बहुत अच्छा बना था एक पोर्शन, एक गेस्ट अपीयरेंस बहुत अच्छा बना था, पूनम ढिल्लो और मेरा हम लोग का पेयरिंग था उस पिक्चर में, और एक बहुत ही अच्छा निहायती सीक्वेंस बना था जो खुद उस वक्त करना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली जब पिक्चर की लेंथ आई और स्ट्रीमिंग करते करते तो पिक्चर की इंटरेस्ट में वो रह नहीं सका, मतलब इस वजह से रोल पर कैंची चली। नहीं मेरे ही नहीं, नहीं और भी कई लोगों के रोल कटे थे। अच्छा, और भी कई लोगों की ट्रिमिंग हुई। अच्छा, तो कुछ खास आपकी तमन्ना बाकी है? एक्टिंग तो बहुत कर ली, कुछ खास नहीं कहा, डायरेक्टर बने या प्रोड्यूसर बने? अभी, अभी आप कैसे कह रही हैं कि कोई एक्टिंग बहुत कर लिया, अभी तो शुरुआत है। अभी वही करनी है और बस, देखिए अगर आगे कैसे कैसे हालात आते हैं जरूर किसी दिन और भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर इतना टैलेंट रहा या मौका मिला। मैं चाहती हूँ दिन जल्द आए। मेहरबानी, और आपसे दोबारा मुलाकात हो। इसके साथ ही चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी अभिनेता रोमेश शर्मा से एक भेंट वार्ता। वार्ताकार थी सविता बजाज। इनसे मिलिए।